हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है एनसीईआरटी। तो इस क्वेश्चन को हम इस चैप्टर को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने नहीं देखा है ये जो चैप्टर का वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बाकी जो पिछले चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस और उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सारे ही वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल्स इन सर्च ऑफ पेस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन इज कॉल्ड। कि क्या होता है कि जो हमारे पास जो लोग पशुपालन करते हैं, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं इन सर्च ऑफ पेस्चर, मतलब अपने पशुओं के चारे के लिए, तो उनको क्या कहते हैं, उस चीज को, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, सीजनल मूवमेंट को। ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसहुमेंस, ऑप्शन बी इज हर्डिंग, ऑप्शन सी इज सेटलमेंट एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रांसहुमेंस। ये क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं इट इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। जो लोग एनिमल रियर करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है चारे की खोज में जो है मूव करते हैं, सीजनल चेंज होता है। इसको हम सीजनल चेंज बोलते हैं। जैसे जो बहुत हार्श कंडीशंस होती हैं जिन जगह पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, स्नोफॉल होता है, वहां पे जो हर्डिंग जो हर्ड्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ जो है थोड़े गर्म इलाके की तरफ आ जाते हैं, ताकि जो चारा जो पशुओं को है वो इजिली अवेलेबल हो जाए। तो इसको जो इस मूवमेंट को ट्रांसहुमेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है द नेशनल हाईवे नेटवर्क विच कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, ऑप्शन सी इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। अगर हम बात करें, इंडिया में वैसे तो बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, पर अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो एक्सप्रेसवे हैं। तो जो एक जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है एक्सप्रेसवे, उसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो उसका जो सही आंसर है दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है दिल्ली से, ये मुंबई को कनेक्ट करता है, मुंबई से फिर ये चेन्नई को, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से फिर ये दिल्ली। तो इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है, तो इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड्स, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो कौन कौन सी जो सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उनको आपस में जोड़ता है। तो वो है दिल्ली है नंबर वन, दिल्ली, दूसरी है मुंबई, तीसरी है चेन्नई और चौथी है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, द रोड्स विच आर बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड। जो रोड्स जो है अंडरग्राउंड बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्शन आर सबवेज, ऑप्शन बी इज अंडरपास, ऑप्शन सी इज मेटल्ड एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो जो रोड्स अंडरग्राउंड बने होते हैं उनको कहते हैं सबवेज, या फिर उनको अंडरपास भी कहते हैं। ऑप्शन डी यहां पे सही होगा, मतलब बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे नेटवर्क सिस्टम इज लार्जेस्ट इन एशिया। हमें अगर हम बात करें रेलवे नेटवर्क सिस्टम की, तो एशिया में कौन सी कंट्री का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ऑप्शन है चाइनीज रेलवे नेटवर्क, ऑप्शन बी इज इंडियन रेलवे नेटवर्क, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। अगर हम रेलवे लाइंस की बात करें, हमें पता है कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे जो रेलवे नेटवर्क है बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू माउंटेन टेरेंस। तो जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो है इंडिया का, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड, इट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेसेस। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की अगर हम बात करें, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो है वो कौन से दो जगह को आपस में जोड़ता है, और इसकी जो टोटल लंबाई है अगर हम उसकी बात करें तो वो है 9,258 किलोमीटर। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम है ये इतना लंबा है, 9,258 किलोमीटर। तो ये कौन सी दो जगह को आपस में जोड़ता है, ऑप्शन है हमारे पास मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक, ऑप्शन बी इज सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक, ऑप्शन सी इज सेंट पीटर्सबर्ग टू मॉस्को एंड ऑप्शन डी इज मॉस्को टू कजान। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक। रशिया में अगर हम बात करें, सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो वेस्टर्न रशिया में पड़ता है, तो वेस्टर्न रशिया में यहाँ पे ये
सेंट पीटरबर्ग से लेके ये बिल्कुल जाता है पैसिफिक ओशन के पास ईस्टर्न की तरफ, ईस्टर्न रशिया की तरफ, वहां पे ये व्लादिवोस्तोक जो है मॉस्को से होता हुआ, मॉस्को, कजान, इन सब जगह से होता हुआ ये व्लादिवोस्तोक तक जाता है रेलवे सिस्टम। और इसकी टोटल लंबाई है जो कुल लंबाई इसकी जो है टोटल लेंथ दैट इज 9,258 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाइल रिवर फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। अगर हम नाइल रिवर की बात करें, नील नदी कौन से कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है, ऑप्शन से हमारे पास साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी इज सॉरी यहाँ पे साउथ लिखते हैं दोनों ही, एक नॉर्थ हम लिख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन सी इज अफ्रीका एंड ऑप्शन डी इज यूरोप। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, जो अफ्रीका है वहां पे नील नदी जो है बहती है, और नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम बड़ी रिवर की बात करें विच इज द लार्जेस्ट रिवर, तो वो है अमेजॉन रिवर जो कि साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा इनमें से एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। हमें पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स, मैसेज, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, वो किसी भी तरह से हम पहुंचा सकते हैं, बोल के पहुंचा सकते हैं, मैसेज करके पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन से पहुंचा सकते हैं, लिख के पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन सा एक जो है कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, तो ऑप्शन है हमारे पास टेलीफोन, बुक्स, टेलीविजन और टेबल। तो जो सही आंसर है वो डी है, टेबल इज नॉट अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन, बुक्स और टेलीविजन, दीज आर द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रेन फ्रॉम जाइनिंग टू लहासा रन्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,000 मीटर अबव द मीन सी लेवल, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस। अगर हम बात करें कि जो ट्रेन है, एक ट्रेन जाइनिंग टू लहासा चलती है, ये जो इसका जो ऊंचाई है वो 4,000 मीटर है सी लेवल से, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इस रेलवे सिस्टम का, इस रेलवे नेटवर्क का, वो कौन कितना है, कितनी हाइट पे जो है हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे जो जहाँ से ट्रेन निकलती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज 5,072 मीटर्स, ऑप्शन बी इज 5,080 मीटर्स एंड ऑप्शन सी इज 4,072 मीटर, ऑप्शन डी इज 4,502 मीटर्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 5,072 मीटर्स, जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका दैट इज 5,072 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, माध्यम हैं। ऑप्शन है हमारे पास रोडवेज, ऑप्शन बी इज रेलवेज, ऑप्शन सी इज वाटरवेज एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं हमारे पास। अगर हम बात करें कौन कौन से माध्यम है, रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज है और एयरवेज, जो भी एयरवेज है ये सारे ही क्या है, माध्यम है ट्रांसपोर्ट के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is one of the highest roadways in the world? कौन सा एक जो है वर्ल्ड का बहुत जो ऊंचे रोड्स हैं उनमें से एक है। ऑप्शंस है NH30, ऑप्शन बी इज मनाली ले, ऑप्शन सी इज ग्रैंड ट्रंक रोड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी यहां पे सही है, जो मनाली ले हाईवे है जो हिमालयन माउंटेन में पड़ता है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वाटरवेज, वाटरवेज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ऑप्शंस आर इनलैंड वाटरवेज, ऑप्शन बी इज सी रूट्स, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें वाटरवेज की, तो वाटरवेज के जो दो टाइप्स हैं दैट आर इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। जो अगर हम बात करें इनलैंड वाटरवेज की, अगर हम इंडिया की बात करें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हो गया, और अगर हम बाकी बात करें वर्ल्ड की बात करें तो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की, ये सारे क्या हैं इनलैंड वाटरवेज हैं। रिवर नील नदी है अफ्रीका की या अमेजोन है, तो ये सारे क्या हैं इनलैंड वाटरवेज हैं। और अगर हम सी रूट्स की बात करें तो जो भी सी रूट्स या ओशन रूट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट जो है, जो भी बड़ी बड़ी मर्चेंडाइज जो होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या जो सामान है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है इसलिए यूज़ किए जाते हैं सी रूट्स या ओशन रूट्स। तो अगर हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें, अगर हम सी रूट और ओशन रूट्स की बात करें तो हम पोर्ट्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो है सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया, ये एशिया में है, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स ये नॉर्थ अमेरिका में है, रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में, डर्बन और केप टाउन जो है अफ्रीका में है, और सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, और लंदन और रॉटरडैम जो है यूरोप में। तो ये थोड़ा सा हमने हर एक कॉन्टिनेंट के थोड़े से जो फेमस पोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच एनवायरमेंट डू पीपल बिल्ड स्लैंटिंग रूफ ऑफ देयर हाउस? हैवी रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन, हैवी कोल्ड एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करें स्लैंटिंग रूफ, स्लैंटिंग रूफ्स कहाँ पे बनाई जाती हैं? घरों पे जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, ताकि बारिश का पानी जो है घर की छत पे इकट्ठा ना हो सके, तो इसलिए स्लैंटिंग रूफ जो है वो बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इग्लूज आर मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जो इग्लू है कौन सी जगह बनाए जाते हैं, जिनको हम स्नो हाउस भी कहते हैं? डेजर्ट एरिया में, इक्वेटोरियल रीजन में, कोस्टल रीजन में या पोलर रीजन में? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज डी, जो पोलर रीजन है, जैसे हमारे पास हो गया आर्कटिक या एंटार्कटिक, उनको वहां पे जो है इग्लूज बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तरह से अंदर जो है ठंड से बचाते हैं इग्लूज, क्योंकि इग्लूज जो बनाते हैं उनके बीच जो डबल लेयर बनाई जाती है बर्फ की, उसके बीच स्पेस छोड़ा जाता है, ताकि जो अंदर की गर्मी है वो बाहर ना जा सके और बाहर की ठंड जो है वो अंदर ना आ सके, इसीलिए इग्लूज जो है वो ठंडे इलाकों में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और सेटलमेंट इज डेवलप्ड इज नोन एज इट्स। ऐसी जगह जहां पे बिल्डिंग या सेटलमेंट बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं साइट। तो ऑप्शन ए यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केव ड्वेलिंग ऑफ द प्रिमिटिव पीपल आर एग्जांपल्स ऑफ। द केव ड्वेलिंग, केव ड्वेलिंग मतलब गुफाओं में रहते थे लोग। ऑफ द प्रिमिटिव पीपल, प्रिमिटिव पीपल किनको कहते हैं? दो तरह के होते हैं, एक तो हर्डिंग हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो ये किस तरह के जो प्रिमिटिव पीपल जो है केव ड्वेलिंग करते थे, गुफाओं में रहते थे, ये किसके एग्जांपल्स हैं? अर्बन सेटलमेंट के, रूरल सेटलमेंट के, टेम्परेरी सेटलमेंट के या परमानेंट सेटलमेंट के? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, टेम्परेरी सेटलमेंट्स के। कैसे? अगर इसको थोड़ा सा समझे, प्रिमिटिव की अगर हमने बात की, प्रिमिटिव जो है उसमें एक नोमैडिक हर्डिंग होती है और एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा, ट्रांसह्यूमेंस, जहाँ पे जो पशुपालन करते हैं, हर्ड्समैन होते हैं, वो पेस्टर की सर्च में, चारे की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं को लेके जाते हैं, उसको ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। इस मूवमेंट को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। तो जो प्रिमिटिव लोग होते हैं वो, इनको प्रिमिटिव दो तरह के हमने बताए, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है कि जंगल का एक भाग जो है वहां पे सारे पेड़ पौधों को काटा जाएगा, उनको वहीं पे जलाया जाएगा, फिर क्या होगा, वो मिट्टी जो है वो फर्टाइल होगी, वहां पे खेती की जाएगी अगले 4-5 साल के लिए। जब मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, तो किसी और जगह पे जो है पेड़ पौधों को काटा जाएगा और जलाया जाएगा और वहां पे खेती करना शुरू कर दी जाएगी। तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो प्रिमिटिव पीपल जो है दो तरह के होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो ज्यादातर जो है परमानेंट सेटलमेंट नहीं करते, टेम्परेरी सेटलमेंट करते हैं, पेड़ों पर रहते थे या गुफाओं में रहते थे। तो जो केव ड्वेलिंग है वो एक एग्जाम्पल है टेम्परेरी सेटलमेंट्स का। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस आज के चैप्टर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई क्यूरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।